सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के। और तो स्टार्ट करते हैं, ये 2014 में प्री और मेंस में भी पूछे गए क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और जिनका थोड़ा सा भी लॉजिक अगर इधर उधर हो गया ना भाई, क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए बहुत चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उन छोटी छोटी चीज़ों को फिर यूज़ करूँगा, फिर जाके हम लास्ट में जाके उन क्वेश्चनों पर आ जाएंगे जो क्वेश्चनों से आपको डर लगता है। उन क्वेश्चनों को कोई भी टीचर बिना किसी इक्वेशन के सॉल्व नहीं करता है। तो सारी इक्वेशनों को हम खत्म कर देंगे, सिर्फ देखेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो क्या वो इन इक्वेशनों के बगैर भी सॉल्व हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। मैं कहता हूं भैया ए और बी किसी काम को अगर 12 दिन में कर सकते हैं और ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है किसी काम को करने में, तो बताइए कि बी इस काम को कितने दिनों में कर देगा। ठीक है जी, तो पहले मैं ले लेता हूं ऑप्शन, भाई ऑप्शन लेता हूं 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। सवाल बोला था कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जो ए है वो 10 दिन ज्यादा लेता है बी से। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना है, इसलिए मैं कहता हूं भैया ए ज्यादा लेता है 10 दिन, तो मैंने कहा ये एक्स लेगा तो ये एक्स प्लस 10 लेगा, क्या बात आ रही है समझ में, इतना काम कर सकता हूं क्योंकि ए जो 10 दिन ज्यादा लेता था बी की तुलना में उसी काम को करने में, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन तो एक तरीका तो है इस क्वेश्चन को करने का, भाई कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे। पर मैं कहता हूँ पेपर में क्या वाकई में इतना टाइम होता है कि इक्वेशन सॉल्व करें उसके बाद आंसर आए, तो थोड़ा सा काम करेंगे। देखो थोड़ी सी लॉजिक है, और लॉजिक क्या है, अगर अभी तक आप वीडियो पर लगातार हमारे साथ बने रहे हैं तो आपने देखा कि हम ना टाइम एंड वर्क को भी परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, तो यहां पर भी करेंगे विद ऑप्शन के साथ। और अब ये मत बोलना कि चारों ऑप्शन चेक करने हैं, भाई अगर धीरे धीरे आप ऑप्शन की तरफ आ गए ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला हो सकता है ये वाला नहीं। और जिस दिन ऑप्शन के ऊपर आ गए उस दिन आप समझ लेना कि आपकी तैयारी की जो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो, नहीं तो फिर टीचर बनने की तैयारी करते रहो भाई, क्योंकि सीखना ठीक है क्योंकि पर लेकिन पढ़ाने के लिए, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऑप्शन के लिए आना पड़ेगा। तो आइए ज्यादा समय लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूं कि भैया ए और बी 12 दिन में करते हैं, ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है, अब क्या हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि चलो भाई पहली बात देखो भैया, बी निकालना है और ये इसे 10 दिन ज्यादा ले रहा है, दोनों मिलकर 12। अब ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों बंदे मिलकर 12 दिन करें, पहली बात दोनों मिलकर 12 दिन करें और उनमें से एक 10 दिन में कर देगा, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों भाई मिलकर अगर ए और बी मिलकर 12 दिन में कर दें और उनमें से ऐसा कोई ए और बी में से ऐसा तो नहीं है 12 से पहले कर दे, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ तो मदद कर रहा होगा ना, कुछ तो बना रहा होगा। अगर मैं एक को हटा दूं किसी को, अगर मान लो बी का निकालना है तो मैं ए को हटा देता हूं तो बी इस 12 से तो ज्यादा कर रहा होगा ना, तो कम से कम ऑप्शन 10 तो नहीं होगा पहला। दूसरा क्या होगा, अब दूसरे में हम कर सकते हैं, मैंने कहा कि भैया देखो परसेंटेज का यूज करें यहां पर, कि मैंने चलो मान लिया पहला बी ही आंसर है, तो अगर बी आंसर होगा तो इसका मतलब बी 20 दिन ले रहा होगा तो ये 30 दिन ले रहा होगा, क्या बता रही है समझ में, ऐसे होना चाहिए अगर मैं आप ऑप्शन 20 मान के चल रहा हूं। तो इन दोनों के द्वारा ए और बी के द्वारा 12 दिन में काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1/12 एक दिन में करेंगे, और 1/12 को तो अब तक इतनी बार हमने यूज कर लिया है क्योंकि भाई ये वो वैल्यूज हैं जो एग्जामिनर बार बार यूज करता है, जब वो बार बार करने में वो बार बार दे रहा है आपको, तो आपको बार बार याद करने में दिक्कत क्या है, एक बार ही तो याद करनी है। तो 1/12 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 8.33% काम करता है ए और बी एक दिन में दोनों, ठीक है जी। अगर मैं यहां से अगर मेरा आंसर 20 था तो मैं अगर ये देखता हूं एक ये कितना काम करेगा भाई बी, 1/20 का काम होता है 5%, क्या नहीं समझ में, मैं लिख देता हूं यहां पर 5% काम करेंगे और यहां पर 30 दिन में पूरा करता है ए, तो इसका मतलब 1/30 का मतलब क्या हुआ, 1/30 का मतलब कह सकता हूं 3.33%। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इन दोनों के द्वारा जितना काम यहां पर ए बी का हो रहा था यहां पर भी इतना ही हो रहा है 8.33%, तो ये होगी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई और मैं कह दूंगा आंसर मेरा बी ही आंसर बन जाएगा, ठीक है।
अगर हम 30 से कर रहे होते तो क्या कर रहे होते भाई, यहां पर हमें 8.33% कर रहे हैं दोनों मिलकर काम। अगर ये 30 कर रहा होता तो ये 40 कर रहा होता, अगर ये 30 कर रहा होता तो 40, ये देखो 30 कर रहा होता और ये 40 कर रहा होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 का मतलब 3.33% काम करेगा और 40 का मतलब 25%। जैसे ही पता चलेगा मैं आप कैंसिल वैसे आउट कर दूंगा, ठीक है। 25 का मतलब है कम से कम ये 25, तो ये 35 कर रहा होगा 25 दिन में करने का मतलब। तो देखो आप करोगे तो कैंसिल आउट कर दोगे, खुद ही कर दोगे, क्योंकि आपने एक्यूरेट नहीं जोड़ना है, आपने लगभग उसके पास पहुंचना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम एक चीज पर डेवलप हो जाते हैं कि भाई के जब हमें क्वेश्चन सामने आए तो धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम कि मुझे ये पता रहेगा कि जब मेरा पेपर आ रहा होगा तो मुझे पता होगा कि इस क्वेश्चन को तो मैं इस तरह से डील करूंगा तो मुझे कम टाइम लगने वाला है, और यही हमें चाहिए। इसका एक चीज यहां से एक चीज और निकल कर आती है, हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं कि भाई देखो मैं अगर ये कहता हूं, फिलहाल तो आंसर इसका भी था, अगर एक थोड़ी सी चीज कर दी जाए, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि ए किसी काम को अगर 30 दिन में करता है और बी इसी काम को 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर देंगे, ठीक है जी। तो एलसीएम एलसीएम मेथड भी सिखाया था हमने और मेथड भी सिखाया था, ठीक है, लेकिन एक मेथड और था, शायद मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर नहीं किया तो समझ लो, हालांकि मैं उस पर कभी गौर नहीं कर रहा होता, मैं कभी बोलता नहीं, क्योंकि वो एक तरह का वो बोल जाएगा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नहीं है वो भी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूं कि मुझे दोनों चाहिए, ये दोनों काम कराना है, तो आप चाहो तो जल्दबाजी में आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई प्लस में डिवाइड बाय प्लस, इन्हीं दोनों नंबरों का अगर ऐसे कर दोगे तो दोनों का जोड़ निकल जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी सी चीज किस काम आएगी, आप कभी आपको क्वेश्चन दे ए इतने दिन में करेगा बी इतने दिन में करेगा तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड प्लस कर सकते हो तब भी बात हो जाएगा। इन ये प्लस मल्टीप्लाई कौन सा भाई, इन्हीं दोनों नंबरों को प्लस किस, इन दोनों नंबरों को कितना हो जाएगा 50, तो 5 30 तो आ गया भी कितना आ गया 12 दिन आ गया, मैं कह सकता हूं 12। अब इसी चीज से निकलकर हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर आएंगे, अगर मैं ये चीज कर भी रहा होता यहीं पर कर रहा होता जैसे सवाल था, ठीक है, जो शुरुआत में सवाल था, तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें अगर दोनों का जोड़ निकालना है तो हम ऊपर गुणा नीचे जमा भी कर सकते हैं। और अगर हमें दे रखा है कि भैया मैं यही क्वेश्चन करने की कोशिश करता कि ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये एक्स था और ये एक्स प्लस 10 था, अगर ये ए है ये बी है, अगर मुझे दोनों का दे रखा है 12 तो मैं इन दोनों को गुना कर सकता हूं क्या, इसकी बराबर मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों की गुना, तो ये लिख सकता हूं एक्स एक्स प्लस 10, ये तो गुना हो गया ऊपर, नीचे जमा करूंगा तो इन दोनों को एक और दो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा आपसे आप इक्वेशन सॉल्व करो, लेकिन अब अगर इतना कर सकते हो तो उसके बाद आपने एक काम करना था कि ऑप्शन रख के देखते हैं एक्स का, तो 20 का मैं जैसे रखता हूं नीचे वाला, 20 दूनी 40 और एक कितना हो रहा है, 20 दूनी 40 और एक 50, नीचे तो बन गया 50, और यहां पर करते तो 20 और 10 30 और 30 गुना 20 करेंगे तो क्या बन जाएगा 30 गुना 20 मतलब 600 हो जाएगा। अब 600 को मैं डिवाइड करूंगा तब भी मेरा पास 12 आ रहा नहीं आ रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाई के लिए हो सकता है। ये वाला मेथड हमने अभी ऑप्शन से करा था, बहुत बढ़िया था, इससे करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपने बस ये समझा था, मैं फिर कह रहा हूं ऊपर गुना नीचे जमा करके भी काम कर सकते थे। अब हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा आप समझ पाओगे, जहां पर ऑप्शन यूज नहीं कर पाओगे वहां पर इस चीज से काम चला सकते हो, क्योंकि देखो भाई एग्जामिनर आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा है, कोई कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा है कि आपने देखो आईक्यू लेवल कितने लेवल तक हमें करना है, यह भी हमें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कहां तक खींचना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर समझ में आ गई बात है तो मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं ऐसे ही, और देखना आपके आप कुछ कर सकते हो उसमें। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को 2 घंटे 24 मिनट में कर सकते हैं, ए इस काम को बी की तुलना में 2 घंटे कम लेता है करने में, तो बताना है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर देगा, सवाल ये है। अब आइए अगर देख लेते हैं ऑप्शन, पहले सबसे पहले तो मैं ऑप्शन लूंगा ए, ऑप्शन 6 है, बी जो ऑप्शन है वो है 4, सी ऑप्शन जो है वो है 8 एंड डी ऑप्शन जो है वो है 10, ठीक है सब। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था भैया ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो ये करते हैं कितना 2 घंटे 24 मिनट। इस 24 मिनट को अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 24 मिनट को, जब काटूंगा तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 5 दूनी 10 और 2 12, इसका मतलब ये आया कि ए और बी उस काम को 12/5 दिन में करने के घंटे में, सॉरी ये घंटे थे तो
घंटों में करने की क्षमता रखते थे। ठीक है, अब साथ में बोल रहा है कि भैया जो ए है ना वो दो घंटे कम लेता है बी की तुलना में, तो मैंने बोल दिया चलो ए एक्स अगर ले रहा होगा तो बी कितना ले रहा होगा, चलो बी को मान के चलता हूं, ई एक्स ले रहा होगा तो ये दो घंटे कम लेता है, तो इसका मतलब ये यहां पर दो घंटे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे एक्स मान लो चाहे आप इसे एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप ठीक समझे। क्योंकि देखो बात समझ ले, अगर मैं यही बात अगर समझाना चाहूं, यही एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूं कि भाई देखो एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मान लेते कोई कैंडिडेट, दो कैंडिडेट लड़े, एक कैंडिडेट हार गया, मान लेते 20,000 से हार जाता है वो, तो जो जीतने वाला जो ना पार्टी होगी, जीतने वाले लोग होंगे, वो क्या कहेंगे, हमारा कैंडिडेट ना 20,000 वोटों से जीत गया है। और जबकि अगर इसके विपरीत अगर हम जाएं, हारने वाला कैंडिडेट की जो पार्टी होगी वो क्या कहेगी, हमारा कैंडिडेट 20,000 वोटों से हार गया है। इसका मतलब वो अगर देखो एक अगर 20,000 से जीता है तो इसका मतलब दूसरा वाला 20,000 से हारा भी होगा। अगर ये चीज यहां पर अप्लाई करें कि अगर ये दो दिन कम लेता है, इस बात का दूसरा विपरीत मतलब क्या निकलता है कि अगर ये दो दिन कम लेता है तो इसका मतलब क्या भी तो सकता हूं कि बी दो दिन ज्यादा लेता है, तो आप चाहे तो आप इसे एक्स मान सकते थे और इसे एक्स प्लस टू भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात दोनों की मतलब एक ही है। ठीक है जी, आप जिस तरीके से निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब चलो हम अगर इससे निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी, आप एक्स इसे मान लो इसे मान सकते हैं। सवाल में क्योंकि बी पूछा है तो मैंने इसलिए बी को एक्स मानना ज्यादा बढ़िया समझा, क्योंकि आपसे पूछा क्या था कि बी कितने दिन में कर देगा, अब ये तो पता नहीं कितने दिन में कर देगा, लेकिन जितने दिन भी करेगा ना वो इन ऑप्शनों में से एक दिन करेगा, ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है जी, अब अगर मैं देखना चाहूं, अगर परसेंटेज की लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान है तो हम अगर इसे सोचें कि इस 12/5 का मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर 12/5 घंटे में काम करता है, अगर 12/5 तो अगर ये 100% काम करें और अगर मैं 100% अगर निकालूं एक दिन में कितना काम होगा, तो ये 12/5 घंटे में करते हैं 100%, एक घंटे में निकालें तो डिवाइड करेंगे भाई, इसका मतलब मैं यहां पर अगर थोड़ी देर के लिए चेक करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने से, 12/8 8.33 तो इसका बनता था भाई, अगर ये 12 होता सिर्फ तो 8.33 ये तो मैं पता हो गया, रट लिया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 × 40 और ये 3 × 15 लगभग 41 point something जो भी आंसर निकलेगा, हालांकि 41.66 निकलेगा, लेकिन आप मान के चलो भाई 41 point something 40 भी मान के चलोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पेपर में एक्यूरेसी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए आंसर टिक करने में, एक एक पॉइंट का आंसर निकालने में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूं। कहने का मतलब क्योंकि अगर मेरे पास ऑप्शन ना होते तब मैं जरूर बिल्कुल एक एक पॉइंट का ध्यान रखता, लेकिन मुझे इन चारों में से आंसर एक ढूंढना है, आंसर ढूंढने का काम कर रहा हूं ना कि निकालने का। चलो मान लेता हूं मैं 40% के आसपास ये काम करते एक दिन में, तो इन दोनों के द्वारा भी तो इतना ही काम होना चाहिए भाई, 40%। मैंने कहा भाई एक्स अगर बी जो एक्स दिन में, तो एक्स कौन सा भाई इनमें से होगा, चलो मान के चलता हूं मेरे पास जो बी है वो 6 दिन ही ले रहा होता आंसर, क्या 6 दिन लेगा, तो अगर ये 6 दिन ले रहा होगा तो ये 2 दिन कम कितने दिन ले रहा होगा, 4 दिन ले रहा होगा, यही बात थी। ठीक है जी, मतलब दिन क्या, ये घंटों में काम चल रहा है तो घंटे ले सकते हैं, 6 घंटे तो ये 4 घंटे। अगर मैं देखता हूं कि भाई 6 घंटे के हिसाब से कितना काम हो पाएगा, 6 घंटे के हिसाब से अगर 6 घंटे में पूरा काम होता है तो 100% काम करता ये अकेला बी, तो कितना काम होता, इतना तो पता लग गया 16.66% काम हो जाएगा, क्या बता रही समझ। अगर ये कर रहा होता तो इस काम को, तो ये कितना करता, अगर 4 दिन में पूरा काम करता है तो 100% पूरा काम होता 4 दिन में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 25% काम। क्या इन दोनों को जोड़ूं तो क्या 41 के आसपास पहुंच रही है, और मैं कहता हूं बिल्कुल इतनी ही पहुंच रही है, इसका मतलब आंसर मेरा भी ही है। अगर मैं देख रहा हूं 15 अगर 25 होता तब भी 40 के आसपास, तो मैं इसी को टिक करता। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन में भी जाऊंगा तब भी काम चल जाएगा। अब दूसरा भी चेक करना चाहो तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो कैसे बोलेंगे चारों चारों ऑप्शन चेक करने हैं, भाई चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं, लेकिन एक छोटे से व्यू के अंदर पता चल जाएगा कौन सा आंसर हो सकता है। मैं कहता हूं 4 अगर मानता तो ये 4 दिन होता तो ये 2 दिन होता, और 2 दिन में अगर ए पूरा काम करता मतलब कि, तो इसका मतलब एक दिन में 50% करेगा, जबकि दोनों मिलकर 41% कर रहे तो ये आंसर वैसे नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आप देखोगे तो सीधा सीधा आंसर पता चल रहा है। अब 5 और 4 के बीच, 6 और 4 के बीच में एक ही आंसर ये हो सकता है, बाकी ये तो बहुत दूर हो जाते। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा और तो आंसर बन गया। आप और भी चेक करना चाहो तो काम कर सकते हो। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि ये देखो आंसर आराम से, सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि आप इस तरह से ऑप्शन चेक करो ऐसे क्वेश्चनों में।
और दूसरा भी अगर हमने बताया था, अगर आप ये भी करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं इसके ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि आप देखो मेथड आपका होना चाहिए, सब चीज़ आनी चाहिए। अगर हम इसके इक्वेशन बनाएं तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशन बनाकर पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए, अगर इक्वेशन भी बना रहे हो तो आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ए और बी के इतने काम हम करते हैं और दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, ए किसी काम को अगर हम बोलते हैं भाई ए जो है वो एक्स माइनस दो था और ये कितना था, ये मान ले तो एक्स था, बात समझ में आ रही है, तो इन दोनों के द्वारा कितना काम होगा, मैं कहता हूं इतना काम हो जाएगा भाई, और ठीक है जी इतना काम हो जाएगा। तो इस और इसको मैं एक साथ रख सकता हूं, ठीक है जी, मैं लिखता हूं भाई चलो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं ऐसे, और जब जमा करूंगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स दो एक्स हो जाएगा माइनस टू, बराबर क्या था, ये दोनों के द्वारा लिया गया समय था, दोनों के द्वारा लिया गया समय यहां पर क्या है, ये चीज। अगर मैं इसको भी यहीं पर अगर ऑप्शन से सॉल्व करूंगा तब भी काम चल जाएगा, इसे पूरा आप वो कैलकुलेट मत करना, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो फिर दोबारा से लक्ष्य से भटक जाओगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और वो भी क्या कहता है कि भाई ए किसी काम को करने में 4 दिन अधिक लेता है तथा बी उसी काम करने में 9 दिन अधिक समय लेता है, ए और बी के द्वारा लिए गए समय से। अब बताना है आपको ए और बी इस काम को करें तो कितने दिनों में कर देंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए लेते हैं हमारे पास है 8, ऑप्शन बी जो है वो है हमारे पास है 6, ऑप्शन सी है हमारे पास 3 और ऑप्शन डी है हमारे पास 9, ये चीज है, ठीक है। अब सवाल को एक बार समझ लेते हैं कि भैया ए जो है वो ए और बी के द्वारा लिए गए, मैं लिखता हूं ए और बी, यहां पर ए और यहां पर बी, अगर ए और बी के द्वारा जितना समय ले रहा था उससे 4 दिन ज्यादा ले रहा था तो मैं लिख दूं भाई यहां पर ये अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो ये एक्स प्लस 4 होना चाहिए, और ये 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा था, ठीक है जी, ये 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा था तो मैं कह सकता हूं ये एक्स प्लस 9 दिन ले रहा, ये बात आ गई। अब बताना है कि भैया ए प्लस बी इस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, तो देखो फिर बात वही है, अगर आप परसेंटेज से कर सकते हो तो परसेंटेज से कर दो, ऑप्शन का यूज करना है, ऑप्शन का यूज करके काम चला सकते हैं। पहले तो मैं देखता हूं ऑप्शन के किस तरह से करेंगे, कि अगर मुझसे ए और बी पूछा है तभी तो मैंने एक्स रखा है इसको, ठीक है जी, तो मैंने कहा ए और बी, अगर आंसर 8 होता तो देखो एक बार समझो 8 ये होता तो ये कितना लेता 17 और ये कितना लेता 8 4 12, तो 8 का मतलब क्या हुआ 12% काम कर रहे थे दोनों मिलकर, तो ये दोनों भी 12% काम कर रहे होंगे एक दिन में, क्योंकि 8 दिन में अगर पूरा काम करते अगर आंसर मेरा ये बन जाता है तो ये कितना होगा भाई 12 दिन में ये करता है तो 12 से कितना काम चल जाएगा, तो 12 से हो जाएगा 8.3, तो यही कर रहा होगा। अगर मैं इस 17 से करता हूं 17 अगर दिन में करे, ठीक है, तो 16 भी माने चलता हूं तो 16 से क्या होगा करीब करीब 6.66, अगर 6.66 भी आता है तो क्या हो जाता है 8 और 6 14 ज्यादा हो जाता है 12.5 से, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आपने पॉइंट नहीं जोड़ने, आपने थोड़ा सा देखना कि भैया ये 8.5 12% करेगा ए और बी, तो ये दोनों भी तो इतना ही करना चाहिए दोनों मिलकर, तो यहां पर मैं कहता हूं सीधा कि भाई बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है जी खत्म कर देते हैं। अगर दूसरी बात आए जैसे हमें पता चला कि 6, मैंने कहा कि चलो 6 मान के चलते हैं तो ये कितना होना चाहिए भाई 6 और 9 15, और ये कितना होना चाहिए 6 और 4 10। अब 6 दिन का मतलब क्या होता है, 6 दिन का मतलब है भाई ए और बी अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 16.66% काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। अगर ये 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 दिन में क्या होगा, 15 दिन में आएगा 6.66% काम कर रहे होंगे। अगर ये 10 दिन में कर रहा है क्योंकि इससे 4 दिन ज्यादा लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेता है 10%। क्या इन दोनों को मिलाकर क्या बात बन रही है, ये 16.66% है और ये 6 और 10 पॉइंट, ये दोनों को जोड़ा जाए तो भी इतना है 16.66% ही काम बनेगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं बी आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप काम कर सकते हैं, हालांकि मैं इसका एक चीज और बता देता हूं, अगर इसे करें तो अगर समझ लो भाई क्या है कि जैसे ही आपको बोले कि भैया देखो कि दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और इसी से अगर रेफरेंस लिया जाए कि इससे कितना ज्यादा ले रहा है 4 दिन, इससे दूसरा वाला कितना ले रहा है 9 दिन, ये दोनों मिलकर जितना काम कर रहे हैं अगर उनसे अगर कुछ दिन समय और कुछ दिन अगर दोनों अगर कुछ ना कुछ दिन ज्यादा ले रहे हैं तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसे रूट लगा सकते हैं और जो ज्यादा ले रहा है ना समय उन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे कि यहां पर क्या था 9 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 और रूट 36 का आंसर क्या बनेगा 6, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी इसकी जो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है जी।
तो यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर भूल जाओ तो, हालांकि ऐसी चीजें भूलनी नहीं चाहिए, आप जब धीरे धीरे कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या करूं, ठीक है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लें। देखो आप अगर आप भूल जाते हो कोई फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है एक्चुअली में, तो अगर ये भूल जाते हो तो ऑप्शन आपके पास बहुत बड़े एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कि सब चीज भूल जाओ पर लेकिन ऑप्शन थोड़ी भूल जाएंगे, ऑप्शन तो एग्जामिनर दे रहा है, और आपको अगर टेक्निक पता है तो उस क्वेश्चन को बिना उसे किसी याद करे हुए भी आप काम कर सकते हो। हालांकि इसको इसे ऐसे करोगे तो बहुत कम टाइम में ये सवाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से और फिर आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन आपको सिर में दर्द पैदा कर देता है, ठीक है जी। तो वो और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और ले लेते हैं आपके सामने। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक्स किसी काम को करने में वाई से 5 दिन ज्यादा लेता है तथा जेड से 9 दिन ज्यादा लेता है। एक्स और वाई उतने समय में काम करते हैं जितने समय में जेड अकेला काम करता है, तब बताना है कि एक्स इस काम को कितने दिनों में कर देगा, ये सवाल है। अच्छा तो अगर हम लेते हैं भाई ऑप्शन ले लेते हैं अपने, ठीक है जी, ऑप्शन लेते हैं हम। मैंने कहा भाई ए ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 15 एंड डी ऑप्शन 20, ये था, ठीक है साहब। अब क्वेश्चन को थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया देखो लिख देता हूं एक्स वाई एंड जेड, और जेड जितना समय लेता है उतना दोनों ही कौन लेते हैं, एक्स और वाई भी लेते हैं भाई। जितना समय एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करते हैं उतने में जेड अकेला भी काम कर देता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इनमें से मान लेता हूं मैं एक्स, अगर मैं मानता हूं कि ये जो काम है क्योंकि ये एक्स वाई जेड में, तो आप अगर देखो ये बड़े मान लो आप इन्हें, मैं मानता हूं चलो भाई ये छोटा एक्स काम ले रहा कर रहा होगा इतने दिन में कर रहा होगा, अगर एक्स इससे 9 दिन ज्यादा लेता है तो इसका मतलब एक्स 9 दिन ज्यादा कितना हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 9 भाई, एक्स जो है वो जेड से 9 दिन ज्यादा लेता है तो इसका मतलब 9 दिन हो जाएगा, और वाई से जो है एक्स है जो वो 5 दिन ज्यादा लेता है। अब देखो यहां से वाई से 5 दिन ज्यादा का मतलब यह है कि वाई से इस पर 5 रुपए ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है तो वाई पे कितने होने चाहिए, वाई पर भाई एक्स प्लस 4 ही तो होने चाहिए क्योंकि वाई पे एक्स प्लस 4 होंगे तभी तो जाके 5 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 ही तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बन गई, अब इतनी चीज बन गई तो आप कर सकते हो कौन सा, अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर दोनों मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करें और उससे कुछ समय ज्यादा ले रहे हैं तो हम रूट में निकाल सकते हैं किसका, 9 × 4 9 × 36, और 36 का रूट निकालेंगे तो क्या जाएगा 6। इसका मतलब जो x की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू निकली अकेले की वो निकली 6 दिन। हमसे पूछा था किसका, केवल x का, x कितने दिन में करेगा, तो x के लिए क्या है भाई 6 ये रहा और ये रहा x के लिए वैल्यू, तो x की वैल्यू निकली 6 + 9 तो बराबर क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, और हम यहां कर सकते हैं 15 हमारा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हैं चाहे तो, और दूसरा चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं जो आपको ठीक समझे, ऑप्शन से करना चाहो तो देखो ऑप्शन से कैसे कर लेते हैं हम कि भैया अगर देखो मैं मान के चल रहा हूं कि यही अगर चीज होती सी आंसर था, अगर मुझे एक्स के बारे में बात करी तो ये 15 दिन में कर रहा था तो इससे कितना कम था भैया, 5 कम था तो इसका मतलब ये 10 दिन में कर रहा होगा, और इससे कितना कम है भाई ये 4 कम है तो इसका मतलब 6 दिन में कर रहा होगा, ऐसे तो करता क्योंकि मुझसे पूछा था एक्स की वैल्यू, एक्स ही रहा, एक्स अगर मैंने इनमें से देखा 15 था तो इसका मतलब ये चीज वैल्यू आएगी। अब इनसे काम करवाना है भाई, देखो मैं कहता हूं जेड एक्स और वाई के बराबर काम करता है तो इसका मतलब 6 दिन में कितना कर रहा है, 16.66% काम करेगा नहीं करेगा, इनसे देखता हूं तो 10% काम करेगा, और जबकि ये कितना करता है 6.6% काम करेगा, और दोनों को मिलाकर क्या बात बन रही है, अगर बन रही है तब भी आंसर यही था, ठीक है बात आ रही है समझ में। चलो यहां से ही देखो धीरे धीरे हम उस क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं, चाहो तो आप रूट से कर सकते हो चाहे ऑप्शन से कर सकते हो, कुल मिलाकर जो आंसर पूछा है उसी का ऑप्शन में आप वो फुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको समझाएगा एक क्लैरिटी अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आने वाला है प्री में 2014 में पूछा गया और उसके लिए फिर बहुत सारी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ली। तो आइए मैं एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ए जो है वो बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है किसी काम को करने में, ए और बी मिलकर जितने समय में कोई काम को करते हैं उतने समय में सी अकेला काम को कर देता है, तो बताना है इस काम को बी कितने दिन में कर देगा, ठीक है जी। तो हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 14 दिन, सी ऑप्शन 12 दिन एंड डी ऑप्शन 16 दिन, ये आपका ऑप्शन है।
सवाल को एक बार लिख लेते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं भाई ए बी एंड सी, ठीक है जी, सी के साथ साथ एक चीज और बोलिए कि सी जितने समय में काम करता है उतने समय में ए और बी मिलकर काम कर पाते हैं, तो मैं लिख दूं यहां पर ए और बी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं इनके वैल्यूज लगाऊं तो मैं कहता हूं जो ए, देखो भाई ये जो है 6 दिन कम लेता है, ए बी से 6 दिन कम लेता है। अगर बी से 6 दिन कम लेता है तो इस बात को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि बी 6 दिन ज्यादा लेता है ए से, तो मैं यहां लिख दिया भाई ये 6 दिन ज्यादा लेता है, तो इसका मतलब ये चीज हो गई। अब सी जो है 2 दिन, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, इसका मतलब मैं कहता हूं सी इससे 3 दिन 2 दिन कम लेता है। भाई सवाल में था कि ए जो है वो बी से 6 दिन कम लेता है, इस बात का उल्टा अगर देखा जाए तो ये भी तो हो सकता है कि भाई ये 6 दिन ज्यादा लेता है और सी से ए जो है 2 दिन ज्यादा ले रहा था, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि सी 2 दिन कम ले रहा होगा ए से। इतना समझने के बाद अभी यहां पर हम कर सकते हैं। अच्छा अभी तो यही बात थी, अभी हम सीख रहे थे जो वहां पर एक एक्स दे रखा था और हमने बोला था कि अगर कोई एक एक्स एक्स दिन में करता है उससे कुछ दिन ज्यादा और दूसरे वाला भी कुछ दिन ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं रूट, जो एक्स्ट्रा जो जितने ज्यादा दिन थे उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहां पर माइनस की चीज आ गई, अब माइनस की चीज आ गई तो अब क्या कर सकते हैं भाई इसका, क्योंकि प्लस में ही तो वैल्यू थी वो। अब इसके लिए फिर से एक नई इक्वेशन बनेगी, इससे अच्छा आप क्या करो, क्योंकि आपको पता है कि भैया कोई भी चीज अगर एक एक्स हो जाए उसके बाद कुछ ज्यादा दिन ले रहा हो उससे ज्यादा दिन ले रहा हो, और मैंने कहा था जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे एक्स बना दो। तो अगर मुझे यहां पर इसे कंपेयर करना है ए और बी से कि भाई ये इतना दिन लेता है, ए और बी से इतना दिन लेता है, इसे एक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, एक्स बनाने के लिए मैं इसमें से 2 प्लस कर देता हूं, प्लस। और मैथ्स कहता है भाई जो चीज कर रहे हो अब सब टर्म में करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर भी 2 प्लस कर दिया और यहां पर भी 2 प्लस कर दिया। ठीक है, अगर अब मैं देखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा एक्स, और यहां से हो जाएगा कितना भाई एक्स प्लस 8 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब तो वही कंडीशन बन गई जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे हम। अब तो भैया ये एक्स दिन लेता है, ये इससे 8 दिन ज्यादा लेता है, और ये जो है ए है वो 2 दिन ज्यादा लेता है। अब तो फिर बात समझ में आ ही गई, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 8 × 2 = 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। इसका मतलब जो सी है वो 4 दिन ले रहा होगा। अगर सी 4 दिन ले रहा है, हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था बी का कि बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो बी 8 दिन ज्यादा लेता है तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 दिन, और ये हमारा आंसर बन जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आपके जो अभी हमने सीखा था उसमें भी यही था कि भाई ज्यादा दिन वाला निर्णय है, पर यहां पर माइनस की चीज आ गई, तो ऐसा कर सकते हो क्योंकि मैथ इस बात को अलाउ करता है कि कोई भी अगर हमारे पास कुछ टर्म है कुछ भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन सब टर्म में से माइनस करना पड़ेगा। अगर कुछ प्लस कर सकते हैं तो सब टर्म में से प्लस करना पड़ेगा। तो इसे हमने वही उसी लेवल पर क्वेश्चन को ले गए और यहां पर कर दिया। चाहते तो यहां इसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो ऑप्शन के लिए आप फिर से वही चीज करते जैसे हम कर रहे थे कि भाई 12 से है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर चीजें अगर जितनी आसान हो जाए उतना बढ़िया है। ऑप्शन से अगर देखो आपको इसका मेथड पता है, आपको पता है कि भाई रूट के साथ इन चीजों को कर सकते हैं, तब तो फिर बहुत बढ़िया है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उसके बाद जो आपको पता चल जाएगा भाई ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, और ये जरूरी है, जब तक नहीं करोगे बात बनेगी भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिर में दर्द कर देता है और जिसके लिए बिना इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाता। वो सब टीचरों ने ट्राई किया और जितने भी हमने मेथड्स देखे कहीं पर भी देख ले, वो टीचर्स कहीं ना कहीं इक्वेशन पर आकर अटका देते हैं, फिर बाद में बोल देते हैं अगर शॉर्ट करना है उनकी तरफ से तो कह देते हैं भाई इसको आगे सॉल्व खुद कर लेना बहुत आसान है, तो छोड़ देते हैं वहां पर और उसके बाद तो क्लेश स्टार्ट होता है। तो समझ लेते हैं उस क्वेश्चन को भी क्या था। चलो भाई आखिरकार अब वो इंतजार खत्म हो गया जिस क्वेश्चन के लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिस क्वेश्चन को टीचरों ने इतना गंदा कर दिया, उसे बिना इक्वेशन के कभी सॉल्व ही नहीं कराया और इक्वेशन भी इतनी बड़ी कि वाकई में जब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे ना उन सॉल्यूशनों को देखकर, तो आप दिल पे हाथ रख के बोलना क्या वो इस सॉल्यूशन के द्वारा अगर उस क्वेश्चन को करें तो क्या वो एग्जाम हॉल में करना पॉसिबल था, क्या अब भी अगर आपने वो बार बार क्वेश्चन भी कर लिया हो तो क्या आज की डेट में भी उस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के मेथड से करना आसान है, तो आपके दिल से जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो अब देख लेते हैं किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाएं तो शायद हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई ए बी सी किसी मिलकर तीनों मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे पहले कर लेते हैं। ठीक है, और अगर बी से बात करें तो बी से 1 घंटा पहले कर लेते हैं,
और सी द्वारा लिए गए समय से आधे समय में वो पूरा कर लेते हैं तीनों मिलकर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है और पूछा है ए और बी उसे अगर करना चाहें अकेले तो कितने दिनों में कर देंगे। ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन क्या है, पहला ये है 4/3, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 3/2 और ऑप्शन डी है 2/3। ये था सवाल, देख लेते हैं। सवाल था भाई ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सवाल था कि भैया जो ए बी सी ना सी से 6 घंटे कम लेते हैं, अब इसका विपरीत अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भैया ए बी सी जितने समय लेते हैं ना उससे 6 घंटे ज्यादा लेता है, तो मैं इसे एक्स मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं, तो ये 6 घंटे क्या ले रहा होगा, ये होगा एक्स प्लस 6, ठीक है। बी के लिए बोला था कि भैया ए बी सी जो है वो बी से 1 घंटा कम लेते हैं समय, कम लेते हैं, जिसका मतलब मैं उल्टा कहूं तो इसका कह सकता हूं कि बी इससे 1 घंटा ज्यादा ले रहा होगा। और सी के बोला था कि भैया ए जो सी है उससे आधा समय ले रहे थे, इसका मतलब ये आधा समय होगा तो ये दुगना समय हो जाएगा। इतनी बता रही समझ में, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखते हैं भाई, हमसे सवाल पूछा था ए और बी के बारे में, अब एक बात बताओ ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो देखो ये जब आधा समय ले रहा है, मतलब कि इससे आधा समय ले रहे हैं ये, तो इसका मतलब आधा समय ये लेगा तो आधा समय सी ले रहा होगा, तो कह सकता हूं कि ए और बी जो है वो बराबर होंगे सी के, क्योंकि ए बोल रहा था भैया जो तीनों मिलकर है ना, तीनों मिलकर सी से आधा समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब आधा समय सी ए बी सी ले रहे हैं तो आधा समय तो वो भी ले रहा होगा, इससे दुगना समय ले रहा होगा। अगर हम देखें तो ए बी बराबर ये सी बन जाएगा। इतनी चीज समझ में आती है, तो अब हम यह कह सकते हैं हमसे पूछा तो ए बी था लेकिन सी के, हमसे पूछा तो ए बी था, ठीक है ए बी पूछा था, लेकिन वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली सी पूछ लिया हमसे, ठीक है। अगर सी पूछ लिया तो सी किस क्या भी दुगना समय लेता है, किससे, ए और बी से। अगर ए बी से दुगना समय लेता है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो भी सी का आंसर होगा वो 2 से कटने वाला होगा, ठीक है जी। अगर कटने वाला आंसर होगा तो मैं देखो अगर मैं चेक करूं तो ये 2 से कटता है, 2 से कटने का मतलब ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए। तो यहां देखा हमने ये कट रहा है, हो सकता है आंसर हो, पता नहीं, अभी हमने देखा यहां पर ये कट रहा है तो 2 से तो नहीं कटता क्योंकि 3 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 2 कैसे कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब देखो भाई, अब इनमें से एक चेक करना है और एक चेक कर गया तो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरा वाला आंसर होगा। अब ऑप्शन जो एग्जामिनर है वो मजाक तो कर नहीं रहा होगा आपके साथ कि भाई 4 ऑप्शन डाल दिए, 4ों में से आंसर नहीं है, ठीक है। एक तो आंसर होगा, मान लो ये निकाल के चेक कर रहे हैं और ये अगर हमारा आंसर निकलता है तो ठीक ही है, नहीं निकलेगा तो इस पे लगा दो निशान। अब मजाक तो करेगा नहीं, और अब एक बात मान भी लो अगर वो मजाक करता भी है एग्जामिनर तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आपने एक चेक करा, दूसरे चेक भी नहीं करा, टिक भी मार दिया, भले ही वो आंसर क्यों ना हो, क्योंकि 4 में से 3 मिट गए तो एक ही आंसर होना चाहिए। अगर वो गलती से भी अगर आंसर नहीं है तब भी नंबर तो उन्हीं को मिलता है ना जो टिक मारते हैं, तो आपको तो आंसर नंबर मिल ही जाएगा। फिलहाल इसे चेक करते हैं भाई, इसका मतलब ये किसका था, ये बी ए बी का था, ये भी मतलब इस वाले का था, क्योंकि बात तो एक ही है, ये ए बी दोनों बराबर थे इसकी जगह था। तो कहने का मतलब 2x की वैल्यू ये है, अब x की वैल्यू निकालनी तो इसका मतलब आधा कर देंगे भाई, इसका आधा कर देंगे तो क्या बन जाना चाहिए, मैं x की वैल्यू ले लेता हूं तो ये मतलब 1/3 हो जाना चाहिए, सॉरी 2/3, ठीक है जी। ये दुगना तो ये तो यही रहेगा। और यहां पर देखो अगर मैं ऐसा करूं भाई, ये मुझे बट्टे बट्टे में 3 जो है ना वो थोड़ा खल रहे हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो आसान हो जाएगा। चलो मैं इन सबको नंबर को 3 से गुणा कर देता हूं, ठीक है जी, 3 से गुणा कर दूंगा तो यहां से 3 खत्म हो जाएगा, यहां से 3 से गुणा कर दूं यहां खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ये निकालना चाहता हूं कि अब यहां से 3 से गुणा करके खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर तो रह गया है वो, क्योंकि आप गुना कौन सा होगा, ये नंबर तो गुना हो चुका है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो ये बन गई है, ये 2x की वैल्यू है, तो आपसे क्या रखा है, क्योंकि भाई देखो यहां पर भी आप अगर 3 से गुना करोगे, क्योंकि 3 तो यहां भी था, तो मैंने इसलिए ऑप्शन में से खत्म कर दिया, यहीं पर 3 से गुना करके ये खत्म कर दिया, इसका मतलब मैंने 2x की वैल्यू 4 मान ली, तो अब ये x की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इनसे भी 3 से गुना करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, x तो रहेगा ही रहेगा, x प्लस 3 से गुना करूंगा 1 का तो क्या बन जाएगा, ये 3, और यहां से गुना करूंगा 3 से तो 6 * 3 = 18 हो जाएगा, x प्लस 18 बन जाएगा। इसका मतलब अब मुझे इनकी जरूरत है नहीं, अब ये चीज यूज करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन में तो पहले ही गुना कर चुका हूं, इसके लिए x की तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, क्योंकि यहां से ऑप्शन में गुना करके बना दिया मैंने 2,
अब दो अब इसे रखें तो क्या बन जाएगा, ये x के तीनों की मतलब वैल्यू थी x, और x की वैल्यू हमने दो मान ली है किसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से, तो दो रखा तो क्या बन जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब a और b कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है जी। जब यहां दो रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसका मतलब जो b है वो कितने दिन लेता है, 5 दिन। c कितने ले रहा है, 4 दिन। यही था भाई, c 4 दिन ले रहा है। अब अगर ये दिन ले रहे हैं और मैं अगर अब यहां पर परसेंटेज काम करने लग जाऊं तो आंसर शायद बन जाएगा। कैसे भाई, कि अगर ये 4 दिन लेता है सी, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 25% कर देगा, नहीं कर देगा। मैं कहता बिल्कुल कर देगा भाई 25%, क्योंकि 4 दिन में पूरा काम करता है 100% काम को, तो 25% कर देगा। अगर ये 5 दिन में करता है, तो 5 दिन में करता है तो इसका मतलब क्या होगा, एक दिन में 1/5, और इसका मतलब ये 20% काम कर देगा। और ये ए अगर 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 करेगा, और 1/20 को कहते हैं 5%, तो यहां पर ये 5%। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब मेरा आंसर ए ठीक हो जाएगा, जो शुरुआत में क्या था 4/3 था, ठीक है। चाहते तो आप यहां से भी ये भी लेके भी कर सकते थे, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में भी आप जोड़ रहे होते, अगर मान लो ये ही कर रहे होते जैसे आप, तो क्या कर रहे होते, तो मैं तो फिर भी यही कर रहा हूं कि भाई अगर आपने ये मान लिया चलो ये आंसर होता, तो इसका मतलब ये 4/3 होगा, क्योंकि ये आधा समय लेता है, तो इसका मतलब 2/3, और ये x प्लस क्या था, x प्लस 6 था, और ये x प्लस 1 था, तो क्योंकि x की वैल्यू तो ये थी, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस में 6, तो 6 3 18, और 2 20/3 यहां पर जोड़ रहे होते तो ये 2/3 प्लस 1, तो 3 1 3 और 2 5/3, ठीक है जी, ये चीज बन रही होती। तो हमारे पास देखो सब में ऑप्शन में 3 था, तो इससे अच्छा है कि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि बात अगर परसेंटेज में निकालनी है, और नहीं भी तो फिर भी काम चला सकते हो, मैंने यहां से खत्म कर दिया, यहां से 3 खत्म कर दिया, यहां से 3 खत्म कर दिया, यहां से 3 खत्म, तब भी तो बात वही बन रही है। इसका मतलब मैं अगर देखता हूं कि ये जो है, चाहे तो ए से करवाऊं, ए बी से करवाऊं, चाहे सी से कराऊं, तो 4 दिन लेते हैं, तो 4 दिन का मतलब ये हुआ 25% काम करेगा। यहां पर ये बी कितने दिन में पकड़ता है, 5 दिन में, तो 5 दिन में करेगा, तो इसका मतलब ये काम कितने दिन करेगा, 20% करेगा, और ये 20 दिन में करते हैं कौन ए, तो इसका मतलब ये 5% काम करेगा। तो ये साफ साफ लिखा है कि भैया ए और बी दोनों मिलकर ये सी के बराबर काम करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25% और ये भी 25%, आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तीनों का मामला चलते तो तीनों का कितना होना, देखो भाई ए बी और सी ये दो दिन में करते हैं, तो इसका मतलब 50% काम करते हैं। अब अगर आप सबको जोड़ दोगे तब भी 50% बन रहा है, नहीं बन रहा, तो आप इनको ऑप्शन से कर लेते, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसे इक्वेशन के तरह से करो, क्योंकि इक्वेशन का बहुत बड़ा मेथड है बॉस, तो थोड़ा सा आप ध्यान करके ना, आप चाहे तो उसे तीन से पहले ही खत्म कर दो ऑप्शन में ही जाके, नहीं तो अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे तो बात बन जाएगी। तो ये सवाल थे, तो मैं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, पर लेकिन वीडियो है बॉस, वीडियो को तो आप पॉज कर करके आराम से देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना, आराम से देखो, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं ना बॉस, ये चीज़ जो है इक्वेशन के मेथड से ना आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर कुछ भी समय अगर हम बचा पा रहे हैं ना, तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में आप समय ही बचा बचा कर अपने जो क्वेश्चन नहीं कर पाते बच्चे, उनको आप कर पाओगे। तो मुझे लगता था कि ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ था, उसको देखकर टाइम एंड वर्क का देखा जाए तो आज हमने ये भी करा दिया है। अब आगे से जो वीडियो आएंगे टाइम एंड वर्क के आएंगे, ग्रुप वाले पार्ट के, अभी तक मैंने ग्रुप के पार्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, क्योंकि अब जितनी पार्ट आएगा उसे ग्रुप के उससे करेंगे, ग्रुप वाला काम करेंगे, और उसका मेथड कुछ अलग होगा, अभी तक जो हमने करा है उससे थोड़ा सा अलग मेथड होगा। तो उसके लिए एक मेथड का पहले तो एक वीडियो आएगी जल्दी, और उसके बाद फिर उसके सारे ग्रुप वाले जो ठेकेदार वाले क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आती है, थैंक यू एंड गुड बाय।